अनजाने अजनबी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। हमारी जो वीडियोज हैं हर सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलती हैं। तो गाइस, अभी हम जाएंगे कैंटीन क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, घर का जो सामान है वो कुछ लाना है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे, टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया, इसलिए अभी जाएंगे और लेके आते हैं कैंटीन से कुछ सामान। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1:45 हो चुकी हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी निकलते हैं बिना किसी देरी के फटाक से। इधर परीक्षित सो रहा है, अभी तक परीक्षित को पता नहीं है कि हम लोग बाहर जाएंगे, इसलिए सो रहा है। सो जाओ सो जाओ, परीक्षित को लेके जाएंगे आराम से। तो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी। परीक्षित ऐसे कर रहा है, हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो पापा जी बोल चुके हैं ऑलरेडी। परीक्षित हो गया है तैयार, सो रहा था परीक्षित अभी, जैसे इनके पापा ने ब्लॉग स्टार्ट किया ये उठ गया। और अभी मैंने इसको तैयार तो नहीं किया क्योंकि नहला के सुलाया था, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे को मतलब अच्छे से चमक धमक पहन आगे बाहर लेके जाऊंगी। जो पहन रखा है उसी में मैं लेके जा रही हूँ, कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं मेरे बच्चे ने। ये देखो फोन पकड़ रहा है, फोन पकड़ रहा है। और बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म है, इतना गर्म है कि मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद ही जानते होंगे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और अब गर्मी में हमें जाना है सामान लेने के लिए। सामान जरूरी है बहुत ज़्यादा, कुछ प्रेक्षित का भी है, कुछ हमारा भी, अदरवाइज इतनी गर्मी में हम नहीं जाते। सैटरडे संडे वीकेंड है कल और परसों का, तो हम सैटरडे संडे को घर पे ही एंजॉय करेंगे, घर पे अच्छा अच्छा कुछ बनाएंगे, अच्छा अच्छा कुछ खाएंगे और प्रेक्षित को भी घर पे ही रखेंगे। तो अभी हम चलते हैं, पहले तो हनी का कोई ऑफिस का काम है तो पहले वो कंप्लीट करेंगे, मैं और मेरा बेटा गाड़ी में बैठे रहेंगे तब तक। उसके बाद हम लोग जाएंगे, अगर टाइम बचा तो हम कैंटीन जाएंगे, अदरवाइज हम सामान मार्केट से ही लेके आएंगे। फटाफट से चलते हैं क्योंकि परीक्षित के पापा जी की आई है यूट्यूब की पेमेंट और आज वो हमें देने वाले हैं पार्टी भी, है ना? तो आज हम पार्टी भी करने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो गाइज, अभी हम बैठे हैं कार में और हनी गए हैं अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम था वो निपटाने के लिए, क्योंकि बोल रहे थे कि मुझे ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और वो चले गए हैं ऑफिस का काम निपटाने। और अब हम कार में बैठे थे, एसी चला रखा था लेकिन मैंने एसी बंद कर दिया कि परीक्षित को ना इतनी एसी की आदत मुझे नहीं डालनी है ना, इतनी एसी की आदत नहीं डालूंगी मैं परीक्षित को। खुश हो रहा है कि मम्मा मैं स्माइल करूँगा ना तो मम्मा मेल्ट हो जाएगी और मेरे लिए एसी चला देगी, लेकिन मैं इसकी कैप से इसको हवा कर रही हूँ। इतने पैसे नहीं है बेटा हमारे पास, हम मिडिल क्लास हैं, ठीक है। परीक्षित सोचता है मेरी मम्मा तो ना वो है अंबानी है, मैं अंबानी नहीं हूँ। हर तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने की आदत होनी चाहिए बच्चे को, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बस मम्मा मुझे एसी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ एसी ही है। नहीं, मैं ऐसी आदत परीक्षित को नहीं डालना चाहती। अगर गर्मी है तो गर्मी में भी उसको रहने की आदत होनी चाहिए, सर्दी है तो सर्दी में भी रहने की आदत होनी चाहिए, हर सीजन में उसको रहने की आदत होनी चाहिए। अभी मैंने ना इसके फेस पे पूरी धूप लग रही है और मैं नहीं इसके फेस को नहीं हटा रही, क्योंकि इसको ना पता चलना चाहिए कि धूप भी कोई चीज़ होती है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो पूरा रेड हो रखा है लेकिन मैं इसको नहीं हटा रही क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि धूप भी कोई चीज़ होती है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ परीक्षित के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित को मतलब हमेशा मैं चाहती हूँ कि परीक्षित ऐसा रहे बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कभी ऐसे ना बोले कि मेरे मम्मा के पास इतने पैसे हैं, मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं, मैं कुछ भी ला सकता हूँ, मेरी मम्मा मना नहीं करती। नहीं, मैं परीक्षित को ऐसा नहीं बनाऊँगी। परीक्षित 10 बोलेगा मम्मा ये मुझे चाहिए तो मैं फिर भी सोचूंगी, है ना। धूप लग रही है पैरों पे, कोई बात नहीं, पापा जी आ जाते हैं फिर एसी चला के और फिर हम चलेंगे, ठीक है। नहीं, अब परीक्षित को लग रही है गर्मी। मैं इसको थोड़ा सा बहला फुसलाती हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, गर्मी लग रही है, इसके पैरों पे भी धूप है गाइस, देखो इसके पैरों पे कैसा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मैं बहुत जाहिल माँ हूँ लेकिन ठीक है, मैं खुद को ठीक समझती हूँ।
और ना कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बना के पैसे कमा रहे हो, दोनों जने जॉब लग रहे हो, तो दोनों जने जॉब का भी मतलब पैसा ले रहे हो, तो कितना पैसा करोगे भाई? हम मेहनत करके खा रहे हैं, ठीक है? वीडियो बनाने हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, वीडियो बना के खा रहे हैं। देखो अब आज हनी की यूट्यूब की पेमेंट आ गई, 4,500 घर का बिल था पिछले मतलब 1-2 महीने से हमने भरा नहीं था, तो 4,500 बिजली का बिल भर दिया, ठीक है? और प्रिक्षित का दूध आना था, प्रिक्षित का 2,000 का प्रिक्षित का दूध आ गया, 1,000 रुपये का हम कुछ और लाना था वो ले आए वो तो हम, ठीक है? और अभी हम कैंटीन जा रहे हैं वो भी यूट्यूब के पैसे से ही आएगा, कुछ प्रिक्षित के लिए अभी कपड़े भी लेके आने हैं, सब यूट्यूब के पैसे से ही आएगा। तो जब तक सैलरी खर्च होती है तब तक यूट्यूब का पैसा आ जाता है, तो हम यूट्यूब से और इससे हम अपना घर का काम चला रहे हैं, ठीक है? इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि हम और हनी तो इतनी मेहनत करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, खाना बना के और सब इतना कुछ काम करके जाते हैं, फिर गर्मी में आते हैं शाम को 6 बजे, फिर आके खाना बनाते हैं, क्योंकि प्रिक्षित छोटा है ना, तो एक जने को तो प्रिक्षित को संभालना होता है। वैसे ऐसा नहीं कि मैं हेल्प नहीं करती, मैं भी हेल्प करती हूँ, लेकिन हनी मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़का ले लेता है बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को आके व्लॉग एडिट करते हैं, फिर अपनी एक टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, सोते सोते उनको 12-1 बज जाते हैं, सिर्फ किसके लिए? हम दोनों के सपने पूरे करने के लिए। गाइस कैंटीन से सामान ले लिया है माँ बेटे ने, हनी ने रख दिया है कार में, और अभी कार को छाया मिला रहे हैं, हमने कहा हमसे धूप में नहीं जाया जाएगा, बहुत गर्मी थी। वैसे तो कैंटीन में एसी चल रही थी, लेकिन प्रिक्षित बाहर था ना, वो वहाँ से यहाँ गाड़ी तक की दूरी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, तो पैदल आए हैं हम, पसीना आ गया, मैं बोला प्रिक्षित भाग, प्रिक्षित भाग, 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 ऐसे करके लाई हूँ। चलो अब बैठते हैं, हम बैठ गए हैं हम कार में, और प्रिक्षित लग गया है अपनी दुनिया में, ये देखिए प्रिक्षित। प्रिक्षित को आ गई शर्म। प्रिक्षित का मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब भी प्रिक्षित मुंह में अंगूठा डालता है ना, मैं इसको एक बार कैमरा दिखा दूं कि ये गाइस देखो प्रिक्षित मुंह में अंगूठा ले रहा है, प्रिक्षित कितनी स्पीड दिखाता है उसको बाहर निकालने में, तुरंत बाहर निकालता है। ये देखो प्रिक्षित मुंह में अंगूठा ले रहा है। ये भी मतलब इस ये थोड़े दिन में वैसे हो जाएगा, बना लेते, हाँ बेशरम बन जाएगा कि मम्मा को बनाने दे यार, मम्मा तो जब अंगूठा लेता हूँ लेके कैमरा आ जाती है। अभी चलते हैं घर की तरफ, धूप बहुत तेज है, सीट को पीछे करती हूँ, परीक्षित पे बहुत तेज धूप आ रही है। गाड़ी में एक, हाँ आप देखो पहले है इडली 40 बड़ा 40, हाँ, देखो हाँ हाँ देखो 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 बहुत तेज गर्मी है गाड़ी में। एक फायदा तो है तुरंत एसी में बैठ जाओ। और हम कैंटीन से लाए हैं आज मस्त मस्त चाइनीज फूड लाए हैं, अब हनी रोज चाइनीज बना बना के खिलाएंगे। पिछले कुछ दिन से हम मार्केट में जाते हैं चाइनीज चाइनीज खा के आ जाते हैं, आज मैंने इतना चाइनीज ला के रख दिया, और हनी को मैंने बोल दिया जो बनाना है घर पे बनाओ, स्वच्छ बनाओ, हेल्दी बनाओ। लेकिन हनी आप बोल रहे हो घर जाके नूडल्स बनाएंगे, तो उसके लिए तो हमें वो लानी पड़ेगी शिमला मिर्च और गोभी। शिमला मिर्च आज सुबह सारी यूज हो गई ना। पास्ता बना लेना, पास्ता में अनियन चाहिए, कोई ट्रॉली वाला देख मिले तो देखना प्याज, हाँ इस रास्ते में मिलता है, हाँ तो वहाँ से प्याज लेंगे अभी, क्योंकि आज प्याज भी हमारी ख़त्म हो गई है, और शिमला मिर्च भी ख़त्म हो गई है, अरे बस करो, गोभी तो लेंगे नहीं। वैसे तो मुझे पिज्ज़ा भी खाना था आज क्या है, फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो देख लो अगर पिज्ज़ा खाओ तो पिज्ज़ा खा लो, अभी डिसाइड कर लेते हैं हम पहले क्या खाना है। तो अभी हम आए हैं फर्स्ट क्राई के शोरूम में, प्रिक्षित के लिए कुछ लेना है, तो पहले अभी हम पहले ले लेते हैं फिर दिखाते हैं क्या क्या लिया है। फर्स्ट क्राई से हम लाए हैं प्रिक्षित के लिए फीडिंग बोतल की, जो ऊपर की बिट्स होती है ना वो, और एक दो चीज़ों का हम MR भी पूछ के आए हैं, एक दो चीज़ों का हम MR भी पूछ के आए हैं, अभी लाएंगे वो भी अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी तो 5 महीने का, वो 6 महीने के बाद वो सारी चीज़ें आती हैं, तब लेके आएंगे। प्रिक्षित अभी सो गया है आराम से, धूप आ रही थी इस वजह से मैंने टॉवल ढक दिया, और अभी आगे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी तो छुट्टी का टाइम भी नहीं आया ऑफिस का, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है। फ्राइडे सब लोग घर वगैरह निकल रहे हैं शायद जल्दी करके वोट डालने के लिए यस। क्या आप जाएंगे वोट डालने? नहीं मुझे वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं है।
ओपनली बोल रही हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वोट डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका बना भी नहीं है? बन भी जाएगा तो भी मैं नहीं डाल के आऊंगी वोट। ठीक है ठीक है। आप किसके भगत हो? मोदी के? मैं जब आप जा ही नहीं रहे तो मैं वोट ही नहीं डालना। तो वैसे मैं साफ बता देती हूँ, हनी मोदी भगत है। मोदी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी की सरकार अच्छी नहीं लगती। मोदी मोदी हर घर घर मोदी हर हर मोदी। तो गाइज अभी हम घर पहुंच गए हैं और सामान लेके आ गए हैं। अभी सामान को करेंगे सेट, और सामान में क्या क्या लाए हैं वो मैं दिखाती हूँ। पूरा चाइनीज दुकान खोल ली आज तो। अभी हनी दिखाएंगे आपको सारा सामान निकाल के। पहले तो चाइनीज आइटम देखो। नूडल्स इनके लिए रिफाइंड हक्का नूडल, इसमें फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल, ये है विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और ग्रीन चिल्ली, दूसरा ग्रीन चिल्ली सॉस, पास्ता, मेयोनीज। प्रिक्सित इतना एक्साइटेड हो रहा है जैसे प्रिक्सित को ही खाना है। दो मेयोनीज हैं, एक फन फूड की ये बर्गर वाली है और एक है सैंडविच वाली, और ये मग्गा लेके आई हूँ मैं, लेकिन ये मुझे महंगा बहुत पड़ा, पता नहीं क्यों। अब ये देखो, ये सारा चाइनीज आइटम है खाने का जो हम बाहर खा के आते हैं, नूडल, पास्ता, बर्गर, सैंडविच। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम सारी बेकार चीजें लाए, कुछ हेल्दी चीजें लाए। देखो जूस भी लाई हूँ, गवावा जूस इज माय फेवरेट। और फिर पचाने के लिए इतना चाहिए इसमें हाजमोला का नया वो आया फ्लेवर कोका कोला, तो ये लाई हूँ मैं हाजमोला का कोका कोला। और देखो कॉफी तो बस हनी को दिख जाए पटक लेते हैं उठा उठा के, चार पैकेट कॉफी के लाए हैं। आप क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो हैं? ये नहाने के लिए साबुन है हमाम, पहली बार कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, अदरवाइज दूसरी वाली साबुन यूज करती हूँ मैं। अब की बार लाई हूँ हमाम प्योर नीम ऑयल, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, अच्छी है। तो ये है हल्दी पाउडर और वो है धनिया पाउडर। ये प्याज टमाटर मिला के बनाएंगे इसको। ये नमकीन लाए हैं, प्याज टमाटर जिसमें काट के डालते हैं वो वाली चटपटा दाल। बिस्किट अभी बार नहीं लाए बस। बिस्किट तो मैं अपने लिए लाई हूँ बस, तीन पैकेट। ये आपका सीरम, ये मेरा हेयर सीरम। इसकी कैप कहाँ है? कैप नहीं, कैप भी थी यार, नहीं कैप ये रही, नहीं ऊपर कैप और होती है। हाँ ये वाला मैं सीरम यूज करती हूँ हेयर्स के लिए, इससे बहुत फ्रीजी हेयर होते हैं ना अच्छे हो जाते हैं। एक नमक है। और ये है सॉल्ट, और ये सिंक साफ करने के लिए ब्रश। बस गाइज इतना ही आइटम लाए हैं हम कैंटीन से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।